लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनाल खान और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद दबरे में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर लगाया गया है आधार कार्ड सेवा केंद्र। बीते दिन पहले ही लगाया गया है जिला मुख्यालय ग्राउंड फ्लोर SBI बैंक के पास दबरे में आधार सेवा केंद्र। नए आधार कार्ड फ्री बनाए जा रहे हैं, जिसमें बायोमेट्रिक अपडेट के 100 रुपए का भुगतान करना होगा, डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 का भुगतान और आधार सर्च विथ प्रिंट आउट के लिए 30 का भुगतान करना होगा। काफी संख्या में आ रहे हैं लोग अपने और अपने परिवार वालों के आधार कार्ड बनवाने के लिए। जब लोगों से वॉइस टीवी की टीम ने बात की तो लोगों ने बताया कि बहुत जल्दी नंबर आ जाता है, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही और जो फीस होती है वह हमसे ले ली जाती है, किसी के भी काम में कोई रुकावट नहीं है। मीडिया से बात करते हुए यहां के सुपरवाइजर ने बताया कि यह एक स्थायी आधार कार्ड सेवा केंद्र है, जो कि 2 मशीनों के साथ जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर लगाया गया है, जिसमें हम एक मशीन से एक दिन में 70 से 80 आधार कार्ड बना दिए जाते हैं। सिर्फ फीस के पैसे ही लोगों से वसूल किए जाते हैं और अन्य किसी भी चीज का कोई चार्ज नहीं लगता। फिरोजाबाद से मकबूल उद्दीन की रिपोर्ट। हम यहीं आए आधार कार्ड बनवाने। अपने बच्चों बन रहा है, बना रहे हैं, फॉर्म ऑर्डर कर रहे हैं। पहली बार नहीं। क्या नाम है आपका? जोगन कुमार नाम है जी। ये यहाँ पर आधार कार्ड जो बनाए जा रहे हैं, ये किस तरह के बनाए जा रहे हैं और किसके आदेश अनुसार? जी, जिलाधिकारी महोदय जी के आदेश पर हो रहे हैं। कब से बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड? ये करीबन लगभग 2 महीने होने वाले हैं। एक दिन में कितने आधार कार्ड बना दिए? 70 से 80 आधार कार्ड बनते हैं एक दिन में। तो बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ पैसे वगैरह भी जो है? नहीं, ऐसा है, UID का जो चार्जर्स है, जिसका डेमोग्राफी अपडेट है उसका 50 रुपये लगता है, और जिसका बायोमेट्रिक उसका 100 रुपये, और जिसका नहीं बनता उसका कोई भी चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं। कब तक लगा रहेगा यहाँ ये? जब तक ये स्थाई मान लीजिए, जब तक यहाँ लोग आते रहेंगे तब तक लगा रहेगा। मैं देश दीपक यादव, नेता प्रतिपक्ष पार्षद नगर निगम फिरोजाबाद, जनपद के समस्त नागरिकों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और पटाखे कम चलाएं, जिससे कि वायुमंडल में प्रदूषण न हो। मेरी तरफ से पूरे फिरोजाबाद जनपद वासियों को मैं धनतेरस की, दिवाली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि सबका त्यौहार बहुत अच्छा बने, मंगलमय हो। और मैं ये भी एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो महामारी चल रही है वो अभी बरकरार है, उसका भी पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्यौहार को मनाएं, जिससे हमारा पूरा परिवार, हमारे दोस्त मित्र सब स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद, थैंक यू। सभी जनपदवासियों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इस दीपावली सभी लोग अपनी खरीदारी सिर्फ फिरोजाबाद के ही दुकानदारों से करें। आपकी तरफ आशा की निगाहों से वो देखते हैं। कृपया बाहर के बड़े शहरों से खरीदारी ना करके यही फिरोजाबाद को समृद्ध बनाएं और इस दीपावली पे संकल्प लें कि जिनके घर पे दीप ना जल सके, जो वाकई बहुत गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं और दीपावली का मतलब भी नहीं जानते, उनके घर जाके दीप जलाएं, लक्ष्मी गणेश दें और उनके घर पूजन करके तब अपने घर पूजन करें। ये मानव सेवा और सच्ची सेवा होगी।